बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। और जहाँ तक इसके फजाइल फवाइद का ताल्लुक है, एक फायदा यह है कि अगर बेटा चाहता है कोई कि बेटा हो औलाद में, बेटियां हैं चाहता है कि बेटा हो, तो 100 मरतबा इस सूरत का विर्द करें, अव्वल आखिर जब 12-12 मरतबा दुरूद इब्राहिमी नमाज वाला दूध पढ़े और 100 मरतबा इसका विर्द करके उसके बाद दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला एक ही नशिस्त में दुआ कबूल करके बेटे की दौलत अता कर दे। वाह वाह, बहुत बड़ा जबरदस्त बड़ा फार्मूला है ये, बहुत जबरदस्त फायदा इसमें। और अगर ये है कि इंसान अगर एक चीला पूरा कर ले तो दी बेस्ट है, तो वरना ये एक दफा की तासीर लिखी है कि अल्लाह बेटा अता करते हैं। और चिल्ला कितना बड़ा? 41 डेज। 40 डेज में चिल्ला होता है, वन बढ़ा देते हैं ताकि अच्छी तरह कन्फर्म हो जाए कमी बेशी पूरी। और दूसरा ये फायदा इसका ये है कि कोई घर में आफत है, वबाल है, मुसीबत है, और बस अवत घरों में ऐसे आफात होती हैं कि वो घर में जो है वो सब कुछ होने के बावजूद परेशानी रहती है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया, कोई आफत आ गई, एक अजीब बलाएं टूटती रहती हैं, तो उसके लिए लिखा है कि रोज़ाना 7 मरतबा रोज़ाना इसकी तिलावत करें, 7 टाइम इसकी रोज़ाना तिलावत करें, और ये 71 डेज की नीयत से शुरू करें, और खवातीन नागे के दिन बाद में पूरे करें और 71 डेज की शुरू करें, इंशाल्लाह किसी भी किस्म की घर में आफतें मुसीबतें नहीं आएंगी और जो नेमतें अल्लाह अता करेंगे उसकी हकीकी राहत नसीब हो जाएगी। सुभानअल्लाह, वाह, ये इसका फ़ायदा। और एक फ़ायदा ये है कि अगर कोई बहुत बड़ी आफत और मुसीबत आ गई, कोई मुहिम ऐसी है जो हल करना चाहिए, कोई बहुत बड़ा मुकदमा आ गया, इस मुकदमे को हमें जीतना चाहिए, या कोई ऐसी कोई डील ऐसी आ गई कि यार ये डील होनी चाहिए वरना बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, तो ऐसी कोई अचानक कोई मुसीबत आ गई, तो उसके लिए 70 मरतबा इस सूरत का जो है विर्द करके अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के और दुआ कर ले, इंशाल्लाह एक ही दफ़ा में मसला हल हो जाएगा, वरना 7 डेज मुतवातर ये कर ले अमल, इंशाल्लाह वो आफत मुसीबत टल जाएगी और मकसद हासिल हो जाएगा। क्या मैं आपसे यहाँ ये पूछ सकता हूँ कि जो लोग ये ग्रीन कार्ड वगैरह के मसले में या वीजे के मसले में उलझे हुए? जी बिल्कुल, तो वो बहुत बिल्कुल जी, बहुत बिल्कुल अच्छा पॉइंट है, बिल्कुल उसके बहुत जबरदस्त, क्योंकि होता है वीजा अटक गया जी, कोई ऐसी मुसीबत में फंस गया, उसको गोदफू नहीं हो रहा, मामूली सा रह गया, फिर आगे बढ़ रहा, उसके लिए बहुत जबरदस्त है। या रिश्ते का मामला है कि रिश्ता अटक गया, हो नहीं रहा या होते होते रुक जाता है, तो ये मुसीबत नहीं टल रही, उसके लिए अमल कर ले तो रिश्ते भी बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे और जो काम है बिल्कुल इंशाल्लाह आसानी से पूरे हो जाएंगे, ये इसका फायदा। और जहाँ तक ख्वाब में इसकी ताबीर का ताल्लुक है, तो एक मतलब ये लिखा इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने कि इसका मतलब है कि इस साल इस शख्स की मौत होगी, इस साल इसका विसाल हो जाएगा, लिहाजा उसको चाहिए कि तौबा इस्तिगफार करे और अल्लाह की तरफ रुजू कर ले, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इस साल उसको अपने पास बुला लेंगे, ये एक इशारा है। और जाहिर है कि ये चीज़ का पता लग जाना भी अल्लाह वाले फरमाते हैं ये भी फायदेमंद है, बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि पहले से तौबा और ताल्लुक माल्ला बढ़ाने का मौका मिल गया, जाना तो है देर से सबने जाना है, लेकिन ये पता चल जाए कि ये इस साल ये हो सकता है तो इंसान अलग तो रुजू कर सकता है, तो ये एक फ़ायदा। और दूसरा यह है कि इसका मतलब है कि इसको अल्लाह तबारक व ताला गरीबों मिस्कीनों मोहताजों को के अंदर खाना तकसीम करने की नेमत अता फरमाएंगे, इसको ये तौफीक होगी, ये गरीबों को खाना खिलाएगा, प्यासों को पानी पिलाएगा, तो गोया कि इस तरह के कारे खैर जो इसके वजूद से जारी होंगे। और एक मतलब यह है कि ये जो है वो मुसलमानों की खिदमत करेगा, मुसलमान अहले इस्लाम अहले ईमान लोगों की खिदमत करेगा और उनके लिए दुआएं करेगा, और उन दुआओं का फ़ायदा न सिर्फ उनको पहुँचेगा बल्कि उनको पहुँचने से पहले अल्लाह इन दुआएँ इसके हक में कबूल करेगा, ये इसका जो ताबीर है। तो इस तरीके से ये सूरह अपने फ़ज़ाइल कमाल को पहुँचती। बहुत खूब हज़रत, बहुत सी काम की बातें इसमें पता चल गई और ये लोगों के मसाइल हल करने वाली बातें पता चल गई।